देखो हम लोग इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यहाँ पे -1 ले ले और प्लस 3xy इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो अगर हम ये आइडेंटिटी देखते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो यहाँ के हिसाब से देखो ए क्या है हमारा एक्स है, यहाँ पर बी क्या है वो वाई है और सी क्या है -1 है। ठीक है, क्लियर है। तो देखो इसको अगर मैं यहाँ पे देखती हूँ तो देखो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस सी -1। ठीक है, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए बी, तो माइनस एक्स वाई माइनस बी सी, तो ये हो जाएगा प्लस वाई माइनस सी ए, ये हो जाएगा प्लस एक्स। ठीक है, देखो अब क्या करेंगे हम, ठीक है, दिस होल इज इक्वल टू 0, राइट, ये हमारा गिवन है। अब क्या कर सकते हैं, देखो इससे हमें एक केस तो ये मिला, यहाँ पे ये देखो एक केस हमें ये मिला है कि एक्स प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो यहां से हमको मिलता है कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, एक तो हमें आंसर ये मिल जाता है। ठीक है, अब चलो देखते हैं दूसरा हमें क्या नजर आता है यहां पर, या तो फिर ये वाली चीज जीरो के इक्वल होगी, या तो ये वाला फैक्टर जीरो के इक्वल था या ये वाला फैक्टर जीरो के इक्वल होगा। ठीक है, अब इसको इक्वेट कैसे करेंगे हम, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इसको मैं लिखती हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई दिस इज इक्वल टू 0, राइट। अब मैं अगर दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, ठीक है, 0 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये जाएगा 2x² प्लस 2y² प्लस 2 माइनस 2x प्लस 2y प्लस 2x इज इक्वल टू 0, राइट। ठीक है, अब देखो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको मैं x² प्लस x² लिख दूं, ठीक है, y² को मैं क्या लिख सकती हूँ, y 2y² है, एक y² इधर लिख दिया, एक वाई स्क्वायर मैंने इधर लिख दिया। ठीक है, कोई बात तो नहीं, इसको मैं क्या करती हूँ, यहां पर मैं इसको लिख देती हूँ आपका, दिस इज योर प्लस 2xy, राइट, दिस इज योर सॉरी दिस इज। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, ये है प्लस का 2 है ना, मैंने प्लस 1 इधर रख लिख लिया और प्लस 1 इधर लिख लिया, माइनस 2xy इसको मैं इधर लिख लेती हूँ। ठीक है, देन वी हैव प्लस 2y, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर मैं लिख देती हूँ 2y प्लस 2x है, यहां लिख देती हूँ मैं 2x। ठीक है, तो फॉर्मूला देखो ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा y प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, ये सारी चीजें 0 के इक्वल होंगी, है ना, तो यहां से हमको मिलता है एक्स इज इक्वल टू वाई, यहां से मिलता है एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 और यहां से मिलता है वाई इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, तो अगर हम अपना एक्स प्लस वाई देखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, माइनस वन ये कितना हो जाएगा -2, तो आपका आंसर एक केस में -2 भी बनेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग रेनो सॉल्यूशंस।